सर, आज एक बार फिर से हेमंत विश्व शर्मा भी पहुंच रहे हैं सर। लगातार बैठकों का दौर जारी है और हेमंत सोरेन भी अब जेल से बाहर आ गए, कैसे देख रहे हैं सारी चीजों को? देखो, झारखंड के अंदर जो भ्रष्टाचार कालम है, झारखंड में जो रूल ऑफ लॉ कॉलेप्स हुआ है, आम लोग परेशान हैं, चाहे युवा को परेशान, चाहे छात्र परेशान, महिलाएं परेशान, और लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा कभी हमने, जब हम एकीकृत बिहार थे तो भी ऐसा रूल ऑफ लॉ कॉलेप्स होते नहीं देखा। अभी देखो, जब डीएसपी सुरक्षित नहीं, उसके गले से चेन छीनी जा रही है, रोज जाना एवरी डे क्राइम बढ़ रहा है, तो आम आदमी परेशान है। तो आम आदमी तो अब आने वाले दिनों में इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, तब जाके सुशासन की हम बात करेंगे। किसी क्षेत्र में चले जाओ, झारखंड के अंदर चाहे बिजली की व्यवस्था, राजधानी के अंदर लोड शेड 5-5, 6-6 घंटे, ग्रामीण इलाकों में तो बिजली एक दुर्लभ चीज हो गई है, ट्रांसफार्मर मिलता नहीं, तो परेशान है लोग। और जिसके कारण आप देखना, इस बार भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत लेकर इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी।